भरत शाह जी, आज हुंकार रैली है, आज इसका क्या मेन उद्देश्य है? हुंकार रैली का तात्पर्य ये है कि आज जो पूरे देश में जो माहौल बना है, उस माहौल के हिसाब से दलितों पे अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, पूरा युवा एकदम घबराया हुआ है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। तो उसी संदर्भ में हम लोग एक हुंकार कर रहे हैं कि भाई अभी इस तरह की सरकार को गिराना है और हमारी आवाज़ को और बुलंद करना है। भरत शाह जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से आए सर, ये जो अभी जो हुआ था महाराष्ट्र के अंदर भीमाकोरे गाँव की, आपको कुछ इसके बारे में पता है क्या हुआ था वहाँ? भीमाकोरे गाँव में कुछ नहीं हुआ था। अपने जिग्नेश भाई जो थे, वो भीमाकोरे गाँव में जो प्रदर्शन होता है वो 1 तारीख को होता है हर साल, और जिग्नेश मेवानी का उससे आगे एक दिन 31 तारीख को एक जनसभा था। वो जनसभा में उन्होंने प्रवचन दिया था, पर उसको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत वो प्रवचन को भड़काऊ भाषण बताया गया जानबूझकर, और उसका सहारा लेके कुछ लोगों ने दंगा करवा दिया उधर। कौन लोग थे जिन्होंने दंगा किया है? कौन लोग थे वो तो आप सब लोगों ने मीडिया पे देखा ही है कि कुछ भगवा झंडाधारी लोग थे जिन्होंने ये कुछ कॉन्स्पिरेसी के तहत किया। आज युवा वो जागृत तो हो रहा है और अपने अधिकारों को मांग रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आप चारों तरफ से एकदम ये एकदम तब्दील कर दिया कि छावनी के रूप में जगह जगह फोर्स जगह जगह, तो इससे क्या ये निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष यही है कि सरकार डर गई है अभी, तो लोगों को कहीं पर भी जमा नहीं होने दे रहे, कोई किसी को अपना आवाज़ उठाने नहीं दे रहे हैं, पूरा युवाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो पर ये युवा रुकने वाला नहीं है। अहमदाबाद की क्या सिचुएशन है? आप अहमदाबाद से आए हैं तो अहमदाबाद ये अहमदाबाद की अकेले की बात नहीं है, पूरे गुजरात की बात, पूरे इंडिया की बात है, पूरे देश में यही माहौल हो रहा है, तो सारे देश से युवा निकलेंगे। धन्यवाद।